डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा, आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये बेटा आपका काव्यखंड का तीसरा लेसन है। तो पहले हम जो है रसखान के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद इनकी जो रचना है सवैया, इसको फिर हम एक एक पंक्ति को पढ़कर इसके अर्थ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए जो है हम जो है पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, इनके जन्मस्थान, इनके गुरु, इनका निधन किस सन में हुआ है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, इनकी भाषा कैसी है, शैली कैसी है, छंद क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि काव्य में जो है बेटा हम क्या है, जब हम काव्यखंड लिखते हैं, जब उसकी हम व्याख्या करते हैं काव्यखंड की कोई भी पंक्ति का, तो हम क्या है काव्य सौंदर्य लिखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में क्या है जो है हमको छंद की ज़रूरत पड़ती है, शैली की भी ज़रूरत पड़ती है, उनकी भाषा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जब भी हम जो है काव्यखंड को पढ़ें, किसी भी रचनाकार या कवि को हम पढ़ें, तो सबसे पहले हमें उनकी भाषा और उनकी शैली और जो है किस छंद का उन्होंने प्रयोग किया है उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जान लेना चाहिए। तो जो है इनकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। देखिए ब्रज भाषा में आपके जो है सूरदास भी हैं और रसखान हैं और क्या है मीराबाई भी हैं, तो आपको पढ़ना है क्या रसखान। तो जो है इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, इनकी शैली क्या है मुक्तक शैली है, और इन्होंने छंद क्या अपनाया, दोहा सवैया और कवित्व। तो आप में क्या है सवैया है और कवित्व है। तो चलिए देखते हैं पहले संक्षिप्त परिचय के बारे में जानते हैं। जन्म क्या है इनका, सन 1558 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और जो है जन्मस्थान है दिल्ली, गुरु का नाम है गोसाई विट्ठलनाथ, निधन सन 1618 ईस्वी, रचनाएं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, भाषा क्या है ब्रजभाषा है, शैली क्या है मुक्तक, छंद क्या है दोहा सवैया और कवित्व। तो चलिए आगे हम इनके जीवन परिचय को विस्तार में पढ़ते हैं। रसखान सगुण काव्यधारा जो है कि कृष्ण शाखा के मुस्लिम कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। मैंने आपको बताया था कि भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया था, एक सगुण भक्ति शाखा और एक निर्गुण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति शाखा के भी दो भेद हैं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, और उनके जो हैं निर्गुण के ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी। तो बेटा जो है सगुण शाखा के जो कवि हैं रामाश्रयी कृष्णाश्रयी, तो मतलब जो राम को मानते थे उस रामाश्रयी के हो गए, और जो कृष्ण को मानते थे वो कृष्णाश्रयी के हो गए। और जो है सगुण का मतलब होता है कि जो साकार रूप में ईश्वर के बारे में वर्णन करे, जो साकार रूप में साक्षात ईश्वर को माने वो क्या है आपका सगुण है। और निर्गुण का मतलब जो योग साधना के माध्यम से ईश्वर को व्यक्त करे, मतलब ये निर्गुण में क्या है कि वो बताता है, कभी या लेखक बताते हैं कि उसका ना कोई रूप है ना कोई आकार है, मतलब सगुण बताता है कि जो है साक्षात रूप है, और निर्गुण बताते हैं, निर्गुण जो कवि हैं वो बताते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं, निराकार ईश्वर है। तो उसमें जो है कृष्ण शाखा के ये कवि हैं आपके रसखान जी। तो इनका नाम क्या था, सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म दिल्ली में माना जाता है, ये दिल्ली के पठान सरदार थे। इनकी रचना प्रेम वाटिका से यह ज्ञात होता है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे, और इनका रचना काल जहांगीर का शासनकाल था। हिंदी साहित्य का प्रामाणिक इतिहास के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि सैयद इब्राहिम का जन्म सन 1558 ईस्वी में बिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरदोई में सैयदों की बस्ती है, ये बाल्यावस्था में ही बिहानी से दिल्ली आए और मुगल राजतंत्र से जुड़ गए। इनके निम्नलिखित दोहे से इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है। देखिए, देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिन ही बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रसखान। मतलब कि इन्होंने जो है जो भी बादशाह वंश की जो ठसक थी
जो गुमान था इन्होंने क्या किया था उसको इन्होंने छोड़ दिया। और ये जो है दिल्ली में ही में हुए विप्लव से व्यथित होकर ये गोवर्धन चले आए और वहाँ की जो उनकी राजठाट था या मतलब जो ऐशो आराम था इनको से जो है वहाँ का जो साहिबी जो मतलब जो है वहाँ की जो जो लोगों की मानसिकता थी या लोगों को जो जो व्यवहार था वो इनके समझ के बाहर था उससे सो है इस मोह माया से व्यथित होकर के जो है ये कहाँ चले आए गोवर्धन चले आए। वहाँ आकाशीनाथ जी के शरणागत हुए। इनकी रचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि ये पहले रसिक प्रेमी थे मतलब ये प्रेमी स्वभाव के थे बाद में अलौकिक प्रेम की ओर उन्मुख हुए मतलब उसके बाद क्या है ये ईश्वर की ओर जो है इनका जो मन है या जो इनके भावना है वो ईश्वर के प्रति प्रेम में उन्मुख हो गया है और कृष्ण भक्त बन गए। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्रदान की। ब्रजभूमि में ब्रजराज के दीवाने रसखान लगभग 60 वर्ष की आयु में सन 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 60 वर्ष तक ही जो है इनका जीवन रहा। रसखान के अब तक 2 ही ग्रंथ प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रेम वाटिका में केवल 53 दोहे हैं। प्रेम के विविध रूप की अनुभूति का स्वाभाविक पूर्ण रूप इस रचना में दिखाई देता है। सुजान रसखान में 267 छंद दोहा सोरठा कवित सवैया का संग्रह है। इनकी ये दोनों कृतियाँ लघु काव्य होने पर भी लघु मीन्स होता है छोटा छोटा काव्य होने पर भी भक्तों के हृदय को झंकृत कर देने वाली मतलब ऐसा दोहा है कि इनको जो पढ़ लें इनके सोरठे और दोहे या कवित्व को आप पढ़ लें एक बार तो हृदय को भी जो है बिल्कुल झकझोर देने वाली है। यद्यपि अनेक विद्वान रसखान शतक और राग रत्नाकर को भी इनकी रचना मानते हैं लेकिन ये ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं मतलब ये रचनाएं जो इनकी जो बताया जाता है ये आज भी उपलब्ध नहीं है। रसखान ने अपने काव्य में सरल सरस एवं संगीतात्मक भाषा और परमार्जित शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने मुख्य रूप से कवित और एवं सवैया छंदों के माध्यम से अपने भाव की अभिव्यक्ति प्रदान की है। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का काव्य सबसे अधिक सरल और सुकोमल है। ये वास्तव में सच्चे कवि और भावों के सागर तथा रस की खान है मतलब जो कहा जाता है कि रस खान मतलब रस की जो खान है तो जो रस खान है मतलब इनके इनके सवैये में पूर्ण रूप से रस जो है भरा हुआ है। इनके इनके हृदय से निकली काव्य पंक्तियाँ सभी दृष्टियों से अद्वितीय काव्य रत्न हैं। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी के शब्दों में हम कह सकते हैं रसखान भक्ति काल के सुप्रसिद्ध लोकप्रिय एवं सरस कवि थे। इनके उनके सवैये हिंदी साहित्य में बेजोड़ हैं। हिंदी काव्य उनकी सेवाओं के लिए उनका सदैव ऋणी रहेगा मतलब इन्होंने जो कार्य किया है हिंदी साहित्य के लिए जो है आज भी क्या है सदैव जो हिंदी काव्य है वो जो है क्या है इनके लिए जो है हिंदी जो साहित्य है वो क्या है आज भी इनका जो है वो ऋणी रहेगा। और एक चीज़ बता दें आपको आप जो है ये मुक्तक शैली का मतलब होता है कि जो है हम किसी के बंधन से मुक्त होकर के रचना करते हैं। आपने आदिकाल पढ़ा होगा तो उसमें क्या था लोग जो है राजाओं का ही वर्णन करते थे मतलब वो आश्रयदाताओं की ही का ही वर्णन करते थे। आश्रयदाता मतलब होता है जिसके राज्य में रह करके उनका जीवन निर्वाह हो रहा है और जिनके जो ऊपर जो है किसी की दया दृष्टि है मतलब जो है वो राजा के आश्रय में रहते हैं और जो भी कुछ उनको मिलता है वो राजा के माध्यम से ही मिलता है उनकी इच्छाएं की इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो उसमें क्या है उसमें ये होता है कि लेखक क्या है उन्हीं के बारे में ही लिखेगा क्योंकि उसके विरुद्ध वो लिख नहीं सकता है उसके विरुद्ध वो कुछ कर नहीं सकता है तो जो है। और लेकिन मुक्तक काव्य में क्या होता है बेटा मुक्तक काव्य में जो है आपका जो है लेखक जो होता है जो कवि होता है वो बिल्कुल मुक्त होता है मतलब वो अपने मनोभाव को व्यक्त करता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है वो क्या कहना चाहता है वो अपने पंक्तियों में व्यक्त करता है। रसखान जी क्या थे वो जो है अपने जो श्री कृष्ण उन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के बारे में जो लिखा है वो सवैया आप पढ़ेंगे आगे तो उसमें क्या है वो जो है वो
कृष्ण के भक्ति का ही वर्णन करते हैं। भक्त के जो श्री कृष्ण हैं उनके बाल लीला का ही उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो वो किसी से बंद करके उन्होंने नहीं किया, वो मुक्त होकर के, मतलब उन्होंने जो सोचा, उन्होंने जो देखा, उसको जो है अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। इस प्रकार बेटा ये आपका रस खान का जो जीवन परिचय है ये कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो है हम इनकी रचना के बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।